नमस्कार साथियों, फार्मर फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सियाराम विश्नोई। एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने। आज मैं आपको एक इतना शानदार ऐप दिखाऊंगा जिसमें आप बैनर, वाटरमार्क, लोगो और फोटो कटिंग, मतलब ऑल इन वन, इस एक ही ऐप में आप बहुत सारे काम एक ऐप में कर सकते हो। तो मैं इस ऐप के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से काम कर सकते हो। मैं आज आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार ऐप है। और मैं एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और सब्सक्राइब के पास ही एक बेल आइकन दिया, उसको प्रेस करना ना भूले। प्लीज़ आप इतना इस चैनल के लिए कर सकते हैं, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, आप प्लीज़ कर दीजिए। और मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ इस ऐप के बारे में, जो मैं आपको ऐप दिखाऊंगा। इसकी मैं ऐप की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको पिक्स आर्ट में खोल के दिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। अब जैसे ये एडिट है, कॉलेज है, ड्रॉ है, कैमरा है। आप अगर कैमरे से फ़ोटो खींच कर आप काम कर सकते हैं, ड्रॉ से कर सकते हो, कॉलेज से कर सकते हो और एडिट। कॉलेज का मतलब शामिल फ़ोटो, तीन चार फोटो शामिल एडिट कर सकते हो, और कैमरे से फ़ोटो खींच कर आप कर सकते हो। ड्रॉ मतलब किसी का ड्राइंग बनाना है तो आप ड्रॉ इसमें बना सकते हो। अब जैसे एक एडिट फ़ोटो एडिट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें एक वाटरमार्क मैं बनाऊँगा। ये सभी फोटो मैंने इसमें ही बनाए हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये सभी फ़ोटो इसी ऐप के माध्यम से मैंने बनाए हैं। इसमें आप ये लोगो बना सकते हो, इस प्रकार के ये मैंने लोगो बना के रखा है। अब मैं आपको एक वाटरमार्क फोटो बना कर दिखाऊंगा। ये ऊपर चुनने के लिए जो भी ऑप्शन है आप ले सकते हो। मैंने ये वाटरमार्क का ये नीचे बैकग्राउंड लिया है। अब मैं बैकग्राउंड में एक कोई फ़ोटो चुनूँगा। मैंने ऐड फोटो फोटो गैलरी में गया हूँ और यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो। जैसे ये एक महिला का फ़ोटो है, मैंने ये महिला का फ़ोटो चुन लिया है। अब इसको कटिंग करूँगा। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी आप, अगर कोई अच्छी तरीके से बनाना है, नाम का लोगो बनाना है, फ़ोटो का लोगो बनाना है, कैसे भी तरीके से। इसमें अभी ये ऑटोमेटिक हो गया है, इसमें अगर कलर सही बराबर कटिंग नहीं हुआ है तो आप इसको कटिंग कर सकते हो, अपने इच्छा अनुसार कौन सा कहाँ से कटिंग करना है वो आप कर सकते हो। अगर अब इसको अगर ज़्यादा कहीं भी हो गया है तो ये जो डिलीट करने के लिए है, जो भी ज़्यादा हो गया, ख़राब हो जाता है तो उसको आप कटिंग कर सकते हो। अब इसको सेव कर लीजिए। अभी ये देखो फोटो, जो इस फोटो के पीछे जो भी बैकग्राउंड था वो पूरा कटिंग हो गया है। ये देखो पूरा फोटो है, ओनली फोटो। अब जैसे ये फ़ोटो मैंने यहाँ रख दिया, इसको बाद में सेट करेंगे। पहले ये जो प्लस का ऑप्शन दिया है, प्लस के ऑप्शन में जाओ और यहाँ से आप जैसे टेक्स्ट लिखना है, नाम लिखना है कुछ, जैसे एफ एफ, दो एफ ले लिया मैंने, फार्मर फ्रेंड। अब इसमें कलर भरना है, ये कलर से लेना है। तो इसमें देखो कलर है, ग्रेडियंट है, टेक्स्टर है, सो ग्रेडियंट कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें रेड ले लिया, और
आप नाम में आप हरा भर दीजिए तो ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इसमें अगर आप इसको उबर कर दिखाना है, जैसे ये नाम है इसको उबरता हुआ दिखे उस प्रकार का दिखाना है तो उस प्रकार का भी आप कर सकते हो। पोजीशन ले लीजिए, अब इसको छोटा बड़ा जैसा भी आप कर सकते हो। ये फोटो को भी आप सेट कर सकते हो, जहाँ भी करना चाहते हो यहाँ कर दीजिए आप। अब ये नाम को आप सेट कर दीजिए, ये देखो मैचिंग हो गया, कलर और नाम दोनों हो गया। नाम को आप इधर भी बढ़ा सकते हो, लंबा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा है वैसा कर दीजिए। ये देखो लोगो बन गया, ये वाटरमार्क भी हो गया, लोगो भी बन गया। अब ये सेट कर दो। चलो अब इसका बाउंड्री ले लीजिए, यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से भी आप चुन सकते हो। आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। चलो इसमें से मैं नहीं लूँगा, मैं अलग से ही बनाऊंगा। तो फोटो में मैं गया हूँ, चलो ये फोटो से नहीं लूँगा। ये आप अगर लेना है तो फोटो से भी आप बना सकते हो। और अब मैं चलो इतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, दिखा दूं मैं आपको। ये देखो टूल्स लिखा है फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए, ये फ़ोटो को क्रॉप कर दीजिए। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मैंने ये गोलाकार कर दिया है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए बराबर हिसाब से, इतना चाहिए इतना कर दीजिए। अब इसको आगे बढ़िए, इसमें ये जो बाहर की बाउंड्री दिया है गोलाकार, इसको आप कलर भर सकते हो, हरा ही भर लीजिए। मैंने हरा भर लिया है। अब ये देखो ये लोगो बन गया। अब नीचे देखिए आप, वो तो मैं आपको दिखा दिया। अब इफ़ेक्ट्स है, ब्यूटी है, स्टिकर है, आप स्टिकर बना के रखो, स्टिकर को काम ले लीजिए बाद में। ये कटआउट है, आपको फोटो कहीं से काटना है या नाम को काटना है, टेक्स्ट को काटना है, कलर को काटना है, आप काट सकते हो और टेक्स्ट लिख सकते हो, एड फोटो कर सकते हो, स्कोर फिट में ले सकते हो। आपको कौन सा स्कोर फिट चुनना है उस हिसाब से आप चुन सकते हो। और ब्रश है, बॉर्डर, अब इसकी बाहर से मैंने बॉर्डर लेनी है तो मैं बाहर का बॉर्डर भी ले सकता हूँ। जो भी अपनी मन मर्जी से जो भी कुछ भी बनाना चाहते हो तो एक ही ऐप से आप बना सकते हो। लोगो, वाटरमार्क, फोटो एडिट करना, बैनर, आई कार्ड और ये जो आमंत्रित पत्र, अनेकों प्रकार के आप एक ही ऐप के द्वारा बना सकते हो। और इसी ऐप का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसको सेव कर लीजिए गैलरी में, सेव कर लो आप। क्योंकि मैं आपको पूरा दिखाता तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने कम समय में एक ही लोगो बनाकर आपको दिखाया है। और मैंने लोगो बना दिया है, अब मैं गैलरी में जाऊंगा, गैलरी में कैसा लोगो बनाए। अगर दोस्त तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास ये बेल आइकन दिया उसको प्रेस करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।